हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि स्वर्ण संख्या क्या होता है, व्हाट इज गोल्ड नंबर। तो फ्रेंड, यह टॉपिक आपके केमिस्ट्री के पांचवे लेसन पृष्ठ रसायन का है। ठीक है, मतलब ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको स्वर्ण संख्या का डेफिनेशन इस वीडियो में बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि यह किन बातों पर निर्भर करता है, उसके बाद मैं कुछ द्रव्यस्नेही कोलाइडों की स्वर्ण संख्या को बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ द्रव्यस्नेही कोलाइडों की स्वर्ण संख्या मैं आपको बताऊंगा कि केसीन की स्वर्ण संख्या कितनी होती है, हीमोग्लोबिन की कितनी होती है, आलू का स्टार्च का कितना होता है, जिलेटिन का कितना होता है। तो सबसे पहले आपको देखना है फ्रेंड की स्वर्ण संख्या होता क्या है, उसके बाद मैं आपको इन सभी के स्वर्ण संख्या के बारे में बताऊंगा। तो देखिये फ्रेंड, स्वर्ण संख्या क्या होता है, तो द्रव्यस्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए 10 मिली गोल्ड साल में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिली को डालने पर साल के लाल से नीले रंग में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर लिखना है आपको होने के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, स्वर्ण संख्या कहलाता है। तो ये तो था फ्रेंड इसका डेफिनेशन, और थोड़ा सा आपको हार्ड लगेगा लेकिन आप समझिए, उसके बाद मैं आपको इसको समझा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि द्रव स्नेही कोलाइड क्या है। तो द्रव स्नेही कोलाइड, द्रव स्नेह, जो द्रव से स्नेह करते हैं, द्रव से प्रेम करते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ऐसा आपको लिखना नहीं है, मुझे समय समझा रहा हूं, ठीक है। तो देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड का मतलब यह है कि द्रव क्या है, एक माध्यम है। जैसे वहां पर विलायक एक माध्यम होता था, तो यहां पर परिक्षेपण माध्यम होता है, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड ऐसे कोलाइड हैं जो परिक्षेपण माध्यम में आने मात्र से ही कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देते हैं, तो वे द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं, ठीक है। तो द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा को ही स्वर्ण संख्या कहते हैं, मिलीग्राम में मात्रा को ही स्वर्ण संख्या कहते हैं द्रव स्नेही कोलाइड की, ठीक है। तो देखिये, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए 10 मिली गोल्ड साल में उपस्थित होने पर, यानी कि जो द्रव स्नेही कोलाइड है ये 10 मिली गोल्ड साल में उपस्थित होता है, और 10% NaCl विलयन के 1 मिली को अगर हम डालें, यानी कि 10% NaCl का विलयन है और उसमें हम अगर 1 मिली इसका डालें, तो वो साल के अस्कंदन के लिए आवश्यक होता है, या फिर साल के लाल से नीले रंग में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होता है, स्वर्ण संख्या कहलाता है, ठीक है। तो ये है इसका डेफिनेशन फ्रेंड। अब आप इसे समझेंगे कैसे, तो इसको देखिए। तो फ्रेंड देखिए आगे का प्रोसेस क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक पात्र है, ये एक पात्र है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, द्रव स्नेही कोलाइड हुए 10 मिली गोल्ड साल, इसमें मान लीजिए फ्रेंड कि 10 ml गोल्ड साल है, क्या है, 10 ml गोल्ड साल इसमें रखा हुआ है, और हमने मान लिया है, तो हमें लिखना है कि 10 ml गोल्ड, ठीक है। अब आप यहां से देखिए गोल्ड साल, ठीक है, तो इसमें मान लीजिए कि 10 ml गोल्ड साल है। अब देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, अब हम इसमें लाकर कहीं से द्रव स्नेही कोलाइड को मिला देते हैं, और जब हमने द्रव स्नेही कोलाइड को इसमें मिला दिया, तो ये क्या है फ्रेंड, जो मैंने बनाया है ये गोल गोल, यानी कि वृत्त के उसके फ्रेंड गोले के आकार का, इससे हम कहेंगे क्या, द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक है, द्रव स्नेही कोलाइड। अब द्रव स्नेही कोलाइड, अब फ्रेंड कितना हमने द्रव स्नेही डाला, इसी की मिलीग्राम में मात्रा को क्या कहते हैं, स्वर्ण संख्या। लेकिन आगे देखिए क्या है, अब यहां पर है कि 10% NaCl विलयन के 1 मिली को डालने पर, अब क्या होगा, जब हम द्रव स्नेही कोलाइड को इसमें मिलाएंगे, तो अगर हम 10%, ठीक है, NaCl का 1 मिली डाल दें, 1 मिली लीटर अगर हम डाल दें, तो ये क्या होगा फ्रेंड, ये जो द्रव स्नेही कोलाइड की संख्या थी, ये इस कोलाइडी को, अगर ये ना होती द्रव स्नेही कोलाइड, तो ये क्या होता, लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता। लेकिन ये जो है फ्रेंड द्रव स्नेही कोलाइड, ये इसे लाल से नीले रंग में परिवर्तित होने के लिए रोकता है, ठीक है। अब आपको कैसे समझना है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की, ये द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10% 10 ml गोल्ड साल इसमें भरा हुआ है, ठीक है, 10 ml गोल्ड साल में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन का 1 मिली डालने पर अगर इसमें डाल दिया जाए, तो इस साल को ये जो संख्या है द्रव स्नेही कोलाइड की,
ये इसे लाल से, किससे, लाल से जो नीला रंग होता है उसमें बदलने के, लाल से नीले रंग में बदलने को रोकने के लिए आवश्यक होता है ये, ठीक है। अब आप ऐसे समझ सकते हैं, नहीं समझ में आया है फ्रेंड तो इसे थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो फ्रेंड ये डेफिनेशन है बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, ठीक है। तो देखिए आप लोग कि कैसे आप इसको समझेंगे, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक पात्र ले लेना है, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। एक पात्र लीजिए, इसमें 10 ml गोल्ड साल डाल दीजिए, ठीक है। पहले आपने 10 ml गोल्ड साल डाला, आप क्या कीजिए, आप 10 द्रव स्नेही इसमें डालिए, द्रव स्नेही कोलाइड, जो इस द्रव से स्नेह करते हैं, यानी कि इसमें आने मात्र से ही ये क्या करते हैं, इनमें आने मात्र से ही ये कोलाइडी विलयन का निर्माण कर देते हैं। तो जब ये निर्माण कर दिए तो 10% NaCl का 1 मिली अगर आप डालेंगे तो ये जो द्रव स्नेही कोलाइड आपने डाला, जितनी मात्रा डाली आपने मिलीग्राम में, वो जो है फ्रेंड इसे लाल से नीले रंग में इस विलयन को रोकने के लिए पर्याप्त होता है। तो वही होता है स्वर्ण संख्या, ठीक है। मतलब अगर आप इस द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा नहीं डालते, द्रव स्नेही कोलाइड नहीं डालते, तो गोल्ड साल और NaCl आपस में मिलकर लाल से नीले रंग में परिवर्तित हो जाता, लेकिन ये जो द्रव स्नेही कोलाइड है ये इसे परिवर्तित होने से रोकता है, ठीक है। तो ये है द्रव स्नेही कोलाइड। अब एक चीज आपको यहां पर और ध्यान देनी है कि जो स्वर्ण संख्या है, स्वर्ण संख्या, ठीक है, ये बराबर होता है फ्रेंड क्या, 1/, अब आप लोग यहां पर लिखिए कि 1/ अस्कंदन क्षमता, अस्कंदन क्षमता, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपको याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, कि जो स्वर्ण संख्या होता है फ्रेंड वो अस्कंदन क्षमता के व्युत्क्रम के बराबर होता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये स्वर्ण संख्या, अगर किसी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी, यानी कि अगर स्वर्ण संख्या अधिक होगी तो ये 1/ में है, ठीक है, तो ये उतनी ही कम होगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब फ्रेंड अधिक कैसे होगी या कम कैसे होगी, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, पहले आप इसको देखिए कि स्वर्ण संख्या जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी, क्योंकि ये व्युत्क्रम के बराबर है, ठीक है। अब मान लीजिए कि मैंने स्वर्ण संख्या को ले लिया 5, ठीक है, और अस्कंदन क्षमता तो वही रहेगी 1/ अस्कंदन क्षमता, अस्कंदन क्षमता, ठीक है। अब क्या कीजिए, अब आपको इस 5 को इसके नीचे लाना है, ठीक है, तो आप इसका अगर अस्कंदन क्षमता निकालेंगे, अस्कंदन क्षमता तो बराबर आ जाएगा 1/5 इक्वल टू 0.2, ठीक है। अब देखिए एक कम आया, अगर यहीं पर 2 होता, ठीक है, तो स्कंदन क्षमता कितनी आती, 0.5, तो यहां पर जितना अधिक होगा वो स्कंदन क्षमता उतनी ही कम होगी, और अगर यहां पर कम होगा तो स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, कम होगी, ठीक है। तो देखिए स्वर्ण संख्या आप यहां पर सीख लीजिए कि अगर किसी का स्वर्ण संख्या दिया हुआ है, आपसे स्कंदन क्षमता पूछ रहा है, तो आप इसी फार्मूले से लगा सकते हैं। मान लीजिए 5-2 दिया है स्वर्ण संख्या, तो स्कंदन क्षमता आप इधर करके इसके नीचे 2 लाइए और 2 से इसको भाग दे दीजिए, आ गया आपका, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा कि स्वर्ण संख्या क्या है। अब देखिए मैं कुछ द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहला जो है फ्रेंड वो है केसीन। अब क्या आप जानते हैं कि केसीन कहाँ पाया जाता है, ये दूध का प्रोटीन है, यानी कि दुग्ध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है, और इसकी जो स्वर्ण संख्या होती है वो होती है 0.01, ठीक है, ये होती है केसीन की स्वर्ण संख्या। दूसरा फ्रेंड आपका क्या है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, रक्त में, ठीक है, इसी के कारण हमारा रक्त का रंग, हमारे खून का रंग, हमारे लहू का रंग लाल होता है, ठीक है, खून का रंग हमारे लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका जो स्कंदन क्षमता होती है वो 0.03 होगी। अब अगर ये कम है तो इसकी जो है स्वर्ण संख्या ये जो होगी फ्रेंड 0.03, अगर स्वर्ण संख्या कम है तो इसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। अब आलू का स्टार्च, यानी कि आलू में जो स्टार्च पाया जाता है, आलू में स्टार्च का हिंदी होता है मंड, ठीक है, तो आलू का स्टार्च की जो स्कंदन क्षमता होती है फ्रेंड वो होती है 25, ठीक है,
ये स्कंदन क्षमता देखिए। अब इसकी स्कंदन क्षमता नहीं सॉरी फ्रेंड, आलू के स्टार्च यहां पर लिख दीजिए आप, ये है स्वर्ण संख्या, स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो आप यहां पर स्वर्ण संख्या देख रहे हैं, तो आलू के स्टार्च की स्वर्ण संख्या 25 है, तो इसकी स्कंदन क्षमता क्या होगी? कम होगी। इसकी कम है तो इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। अब जिलेटिन का क्या होगा फ्रेंड? जिलेटिन जिलेटिन का होता है 0.005 से लेकर 0.01 तक इसकी स्कंदन क्षमता होती है। ठीक है, अब एक गोंद है एरोबिक गोंद, एरोबिक गोंद का जो स्कंदन क्षमता होता है वो होता है 0.15। ठीक है, उसके बाद एक और है सोडियम ओलियट, ठीक है, इसकी स्कंदन क्षमता होती है 0.4। अब ये है फ्रेंड कुछ द्रव स्नेही कोलाइड और उनकी स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या फ्रेंड ये सब मैं स्कंदन क्षमता बोलता चला गया, लेकिन फ्रेंड आप लोगों को स्वर्ण संख्या याद रखनी है कि केसिन की स्वर्ण संख्या 0.01 गोल्ड नंबर, ठीक है, और हीमोग्लोबिन की स्वर्ण संख्या 0.03, आलू की स्वर्ण संख्या 25, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या 0.005 से लेकर 0.01, एरोबिक गोंद की स्वर्ण संख्या 0.15, सोडियम ओलिएट की स्वर्ण संख्या 0.4। फ्रेंड अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये हमारे किस काम का है, यानी कि हम इससे क्या लाभ उठा सकते हैं। तो देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि केसिन की स्वर्ण संख्या कितनी है, स्टार्च की आलू के स्टार्च की स्वर्ण संख्या कितनी है, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या कितनी है, तो आपको इसे लिखना है। अब फ्रेंड आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाते हैं न्यूमेरिकल कि किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या 10 है तो उसकी स्कंदन क्षमता ज्ञात करो, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण स्कंदन क्षमता 3 है तो उसकी स्वर्ण संख्या ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये था फ्रेंड स्वर्ण संख्या। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ना आया हो तो आप फिर से देख सकते हैं, तो मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं अभी सॉल्व ट्रिक में। ठीक है, तो देखिए, द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो दिए हुए 10 मिली गोल्ड साल में उपस्थित होने पर 10% NaCl विलयन के 1 मिली को डालने पर साल के लाल से नीले रंग में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होता है स्वर्ण संख्या कहलाता है। स्वर्ण संख्या बराबर 1/5 स्कंदन क्षमता, मैंने आपको बताया ये है फ्रेंड, इसमें भरा हुआ है 10 ml गोल्ड साल, इसमें आपने द्रव स्नेही कोलाइड डाला, फिर 10% NaCl का 1 मिली डाला, ठीक है, मात्रा डाला, तो ये लाल से नीले रंग में परिवर्तित होने के रोकता है। अब कुछ द्रव स्नेही की स्वर्ण संख्या मैंने आपको बताई इस वीडियो में, जैसा कि केसिन और इन सब का बताया, तो आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे लर्न भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहिए और अध्ययन लगातार जारी रखिए। तो फ्रेंड